यह खबर पूरे देशवासी के छाती को चौड़ा कर देगा और अपने आप को गर्वान्वित करने लगेंगे। देश का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। जी हाँ, जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को मुगलों ने नष्ट नाबूद कर दिया था, वह फिर से उठ खड़ा हुआ है और उसके भव्य कैंपस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करेंगे। आज के इस नालंदा यूनिवर्सिटी में 32 देशों के छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके इस भव्य कैंपस का शुभारंभ होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम पूरे इस नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का खासियत आपको बताएंगे कि कैसे ये बाकी यूनिवर्सिटीज से अलग है और क्यों इसे नेट जीरो कैंपस कहा जाता है और देश का पहला यह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे है सबसे अलग? नालंदा जिले के राजगीर में इस वैभवगिरी पर्वत के गोद में एक नया यूनिवर्सिटी कैंपस बनकर के तैयार है, जो विश्व का पहला और सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है और भारत का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इस भव्य और आधुनिक यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। 455 एकड़ में बना है नालंदा यूनिवर्सिटी। पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अक्ष को एक नए अवतार में गढ़कर राजगीर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ छबीलापुर गांव में 455 एकड़ के क्षेत्र में एक नया यूनिवर्सिटी कैंपस बनकर तैयार हुआ है। इसे देश के पहले इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त है। नालंदा यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में इस भव्य गेट से प्रवेश करते ही आगे आपको सामने वैभवगिरी पहाड़ के बैकग्राउंड में इस तालाब के किनारे शान से ऊंचाई पर लहराता यह तिरंगा नजर आ जाएगा। इसी तिरंगे के ठीक नीचे इस यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग मिल जाएगा आपको। सबसे बड़ा और पहला नेट जीरो कैंपस राजगीर में बना नया और भव्य नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का पहला नेट जीरो कैंपस है। एनयू की वेबसाइट की माने तो लगभग 100 एकड़ में वाटर बॉडी और 300 एकड़ में ग्रीनरी है। क्योंकि यह तस्वीर पुरानी है, इसलिए इसमें आज के समय का बड़े हुए पौधे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अब अगर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको हरे भरे पौधे दिखाई देंगे। विश्वविद्यालय के बड़े हिस्से में सोलर सिस्टम लगा है, जिससे 6.5 मेगावाट बिजली तैयार होता है। इसके साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर ट्रीटमेंट, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पर भी काम करती है। कैंपस में बिल्डिंग को ठंडा और गर्म रखने के लिए थीक कैविटी वॉल के साथ साथ डीवैप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है और इस तरह के शानदार काम करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान भी मिल चुका है। कैसे और कब शुरू हुआ निर्माण? नालंदा विश्वविद्यालय देश का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना संसद में एक विशेष अधिनियम के तहत हुआ है और इसका शिलान्यास 27 अगस्त 2016 को उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। इसके निर्माण की प्रक्रिया 2017 में तब तेज हुआ जब प्रोफेसर सुनैना सिंह ने विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में ज्वाइन किया। आज के नालंदा विश्वविद्यालय का स्वरूप उन्हीं के कार्यकाल में तैयार हुआ है। वर्षों से अपने उद्घाटन की राह जोग रहे इस विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से उद्घाटन होने जा रहा है। इसके आगे की जानकारी हम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आपको देते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप नालंदा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट अभी आप खोलेंगे तो होम पेज खुलने पर ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इनोग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन बिहार, सबसे पहले ये बैनर आपके ऊपर चल करके आ जाता है। यूनिवर्सिटी के बारे में अगर जाने तो यहाँ पर सबसे पहले अबाउट नालंदा पर आइए और इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो अबाउट कैंपस के बारे में आप जानने के लिए इसको क्लिक करेंगे तो देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का डिटेल का डिस्क्रिप्शन यहाँ खुल जाएगा। ये राजगीर में अवस्थित है, जो राजगृह के नाम से पहले जाना जाता था, वहीं ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नंबर 39/2010 के तहत इसका रिकॉग्निशन हुआ था और यह यूनिवर्सिटी अब स्टेबल हो गया है। जैसे ही आप अबाउट कैंपस को क्लिक करेंगे तो कैंपस एमिनिटीज और नेट जीरो कैंपस दो ऑप्शन है। सबसे पहले कैंपस एमिनिटीज को क्लिक करते हैं और इसको खोलते ही देखिए ये वाला आ जाएगा। सबसे पहले ये प्रवेश द्वार है इसका, यहां से इंटर करेंगे इस प्रवेश द्वार से तो सब
सामने या तिरंगा लगा हुआ ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आ जाएगा। इससे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये पहला ऐसा बिल्डिंग है जो प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी पर, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम या कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं हुआ, सारे स्ट्रक्चर बाहर बने और वहां से लाकर के इसको असेंबल किया जा रहा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबज वाला बिल्डिंग है जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी बनने वाला है। इससे आगे आ जाइए तो ये हॉस्टल्स है, दो हॉस्टल्स है इसमें, एक तरफ में बॉयज को रहने का एकोमोडेशन की व्यवस्था है, दूसरे तरफ में गर्ल्स को रहने का अरेंजमेंट है। ये वाला जो है ये इसका कैंटीन या कहिए तो कैफेटेरिया है जो पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास बना, जो आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके बीचों बीच एक ग्लोब स्थापित है जो वर्ल्ड के यूनिटी को दर्शाता है कि पूरे विश्व से बच्चों को यहाँ यह विश्वविद्यालय आमंत्रित करता है अपने अंदर पढ़ाने के लिए। ये बच्चे यहाँ पर जो है डाइनिंग कर रहे हैं, कैफेटेरिया है, और ये बाहर भी एक कैफेटेरिया बना है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। ये जो है सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम के बाहर है, और ये कैंपस सीन में एक और कैफेटेरिया बना हुआ है जहाँ से आगंतुक आए तो वहाँ लुत्फ ले सकते हैं चाय नाश्ते का। ये कॉमर्शियल सेंटर है नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कमल सागर के ठीक बगल में बना है, ऐसा जो बोतल वाला जो देख रहे हैं, बोतल की तरह जो बिल्डिंग्स बना है, इसी में कॉमर्शियल सेंटर बने जिसमें आने वाले समय में जो स्टूडेंट रहते हैं उसके लिए जो सामग्री है वो बाहर खरीदने नहीं जाना होगा, यही उनके जरूरत की चीजें मिल जाया करेंगी। इसके बाद ये कमल सागर है जो वाटर बॉडीज है, लगभग जो है 100 एकड़ में वाटर बॉडीज बना है पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिसके बीचों बीच ये कमल सागर बना है। ये कमल सागर के बीच में जो एम्पी थिएटर बना है उसको दर्शाया गया है इसमें, ये देख ली बड़ा ही शानदार है, चारों तरफ पानी है, इसके बीच में एम्पी थिएटर बना हुआ है। इसके बाद जो है ये सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में 300 सीट का सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम है, इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से लोकार्पण करेंगे, यही कार्यक्रम होगा। ये यहाँ बड़ा सा LED स्क्रीन बीचों बीच लगा हुआ, और ये जो है सिनेमा हॉल के तर्ज पर इसको बनाया गया, बड़ा कंफर्टेबल सीट है इसमें बैठने का। इसके अलावा ये जो है नया वाला बिल्डिंग एक और लाइब्रेरी के ठीक नॉर्थ साइड में बना है जिसको योगा सेंटर कहते हैं, और ये भी आइकॉनिक बिल्डिंग है, गुंबदाकार बना हुआ है और बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए देखिए यहाँ स्टेडियम है, इंडोर और आउटडोर, ये आउटडोर स्टेडियम है। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम है जिसमें कभी कभी योगा वगैरह होता है। अभी ये जिम है यूनिवर्सिटी के अंदर में, पूरा एडवांस जिम है जहाँ आपको अगर अपने आप को फिटनेस का ध्यान रखना तो उसके लिए यहाँ पर जाकर के जिम का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे सुंदर ये तस्वीर पूरा जो कि वैभवगिरी पर्वत के गोद में यह नालंदा यूनिवर्सिटी बसा है जो अपने आप में अनोखा है और शानदार है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था नेट जीरो। क्या होता है नेट जीरो? नेट जीरो का मतलब प्रकृति से आप जितना लेते हैं उतना ही प्रकृति को वापस कर देते हैं। पूरा ये जो बिल्डिंग कैंपस है ये जीरो कार्बन एम्बिशन पर बना है, जो ईट लगाए गए हैं इसमें वो सारे ईट विश्वविद्यालय ने खुद बनाया है, अनबर्न ब्रिक्स है जिसको पकाया नहीं गया है, और इस टेक्नोलॉजी पर बना है। सारे छत पर देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था है, पानी को प्रिजर्व करता है ये, और अपने पास इसका वाटर रिजर्व है जिससे पानी को इस्तेमाल करता है, कहीं पर कोई बोरिंग नहीं है इसके पास। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रकृति से उतनी चीज़ें ले रहे हैं जितनी चीज़ें की हमें जरूरत है, और बाकी चीज़ें प्रकृति को वापस भी कर रहे हैं, इसलिए इसको नेट जीरो कहता है। या अगर आपको 50 रुपये हैं, 20 रुपये आप उसमें से खर्च करते हैं, फिर आप उसमें 20 रुपये जमा कर देते हैं तो आपके पास कुल 50 रुपये रह ही जाते हैं। उसी तरह का टेक्नोलॉजी है नेट जीरो। नेट जीरो में प्रकृति से जो कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो प्रकृति को कुछ चीज़ें वापस भी कर रहे हैं, या कहिए तो उनको संजो करके हम रख भी रहे हैं। कुल मिला के कहे तो जिस यूनिवर्सिटी के खंडहर को देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते थे, अब उसकी जीवंत तस्वीर देखेंगे जिसका प्रधानमंत्री कल लोकार्पण करेंगे।